आइए शुरू करते हैं। पिछले दिन के क्लास में हम लोगों ने राजनीति शास्त्र खंड एक के पाठ संख्या एक, जिसका नाम था विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, और हमने यह जानने का प्रयास किया था या जाना था कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के कारण क्या थे। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कौन कौन सी परिस्थितियां थी, और यहां तक हमने आके क्लास को एंड किया था कि शीत युद्ध के कारण पर। और हमने कहा था कि शीत युद्ध के लिए दो कारण मुख्य रूप से जिम्मेवार थे। कुछ विद्वानों का मानना था, खुश रहिए, कि शीत युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेवार था, और कुछ विद्वानों का मानना था कि शीत युद्ध के लिए सोवियत रूस जिम्मेवार था। शीत युद्ध के लिए सोवियत रूस जिम्मेवार था, इसका पहला कारण हमने चर्चा किया था, याल्टा समझौता का निरादर। याल्टा समझौता जो फरवरी 1945 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के बीच हुआ था। रूस ने इस समझौता के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण बना। दूसरा, ईरान में रूसी सेना का जमाव रहा। ईरान में रूसी सेना का जमावरा, इसके बारे में भी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले ईरान में सभी मित्र राष्ट्रों की सेनाएं इसलिए रखी गई थी ताकि जरूरत पड़े इसका प्रयोग किया जा सके। एक कैंप बनाया गया था, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद सब देशों को हटाने की बात की गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी सेना को क्या कर लिया, हटा लिया, लेकिन सोवियत रूस ने वहां से अपनी सेना को हटाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, देर करने लगा। इससे आपसी वैमनुष्यता की भावना क्या हो गई, बढ़ी, और यह वैमनुष्यता भी शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार कारण बना। तीसरा था बर्लिन की नाकेबंदी। तीसरा कारण क्या था, बर्लिन की नाकेबंदी। अब बर्लिन क्या है, आप सभी जानते हैं कि बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी और अभी भी है, बर्लिन जर्मनी का एक क्या है, शहर है, और जर्मनी की क्या है, राजधानी है। एक समझौता हुआ था, समझौता का नाम था पोटसडैम। पोटसडैम समझौता हुआ था। इस पोटसडैम समझौता में मित्र राष्ट्रों ने, खासकर के अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने, यह तय किया था कि जर्मनी में मानव के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मानव है तो मानव होने के नाते आपका बहुत सारे अधिकार हैं। तो पोटसडैम सम्मेलन के द्वारा, पोटसडैम समझौता के द्वारा मित्र राष्ट्रों ने, खासकर के ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने एक समझौता पर सिग्नेचर किया। उस समझौता का नाम था पोटसडैम समझौता। इस समझौता में कहा गया कि जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में भी पराजित हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में भी पराजित हुआ, मानवता का सर्वसार वहां पर किया जा रहा है, मानव के मूल्यों का, मानव की भावनाओं का क्षति पहुंचाया जा रहा है, तीन मित्र राष्ट्रों ने तय किया कि हम सब मिलजुल करके यहां पर मानव हितों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और मानव हितों की रक्षा करने के लिए इसी पोटसडैम समझौता के तहत जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया।
कितने भागों में? जर्मनी अगर एक देश है तो जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार खड़ा कर दी गई। इधर हो गया पूर्वी जर्मनी और इधर हो गया पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी सोवियत रूस के जिम्मे चला गया और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के जिम्मे आ गया, अमेरिका के हाथों में आ गया। और दोनों ने तय किया कि पूर्वी जर्मनी में मानव के हितों की रक्षा सोवियत रूस करेगा, वहीं पश्चिमी जर्मनी में मानव के हितों की रक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। लेकिन रूस ने भी यहां भी पोटसडैम सम्मेलन का क्या किया? उल्लंघन किया और मानव अधिकार की रक्षा के नाम पर पूर्वी जर्मनी के लोगों को शरणार्थी शिविर में ले जा करके गुलामों की तरह उसे क्या करवाया गया? काम करवाया, ताकि उसे काम करवाएंगे तो एक प्रकार का बधुआ मजदूर हमें मिल जाएगा और बधुआ मजदूर जिसको पेमेंट करना है नहीं, केवल सुबह और शाम में एक बार भोजन देकर के अपने पिछली भी अर्थव्यवस्था को क्या बनाना है? मजबूत बनाना है। तो यहां भी पोटसडैम सम्मेलन में जो बात हुई थी, बर्लिन के जो नाकेबंदी की गई, इस शर्त पर की गई कि हम दोनों मिलजुल करके, हमने कहा कि अमेरिका अपने समाचार पत्रों में जब भी मौका मिलता, सॉरी रूस अपने समाचार पत्रों में अमेरिका के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करता था। इससे भी सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या हुआ था? मनमुटाव बना था। इसी समय 1947 में साम्यवादी सूचना विभाग क्या खुला था? साम्यवादी सूचना विभाग खुला था। और साम्यवादी सूचना विभाग के माध्यम से भी सोवियत रूस ने अमेरिका के विरुद्ध विभिन्न सम्मेलनों में, विभिन्न सभाओं में बोलने का काम किया। और रूस ने अमेरिका के विरुद्ध में क्या बोला था कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा, दुनिया का नहीं पूंजीवादी डाकुओं का घर कहा था। पूंजीवादियों को अमेरिका ने, रूस ने क्या कह दिया? डाकुओं का घर। ऐसा इसलिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का दबदबा होता है और निजी व्यक्ति हमेशा कोई भी काम अपने लाभ को ध्यान में रखकर करता है, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? डाकुओं का घर। नाम अमेरिका लिया नहीं, लेकिन पूंजीवादी कह दिया। तो उस समय पूंजीवादी का नेता कौन था? अमेरिका। तो नाम उसी का ना आएगा। अब कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि शीत युद्ध के लिए सोवियत रूस ही जिम्मेवार नहीं था, बल्कि शीत युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी क्या था? जिम्मेवार था। कैसे? तो अगर रूस ने अमेरिका के विरुद्ध में क्या कहा? डाकुओं का घर कहा, तो अमेरिका ने कहा साम्यवादी दुनिया के सबसे बुरे गुंडे। दुनिया के यदि सबसे बुरा कोई गुंडा है तो कौन है? रूस नहीं कहा, साम्यवादी कहा। किसने कहा? अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने साम्यवादी देशों को दुनिया का सबसे बुरे गुंडा, गुंडा तो सब होता है, सबसे जो खतरनाक, सबसे जो वारू है, बुरा है, वही है। और उस समय साम्यवाद का झंडा लेकर सोवियत रूस ही आगे बढ़ रहा था। दूसरा कारण था कि पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तार का विरोध,
पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद का विरोध। कहने का मतलब है कि यूरोप एक महादेश का नाम है, तो एशिया महादेश के क्या ऊपर है? अगर यूरोप एक महादेश को अगर मान लेते, यूरोप एक महादेश है, तो शीत युद्ध के दौरान यूरोप महादेश के पश्चिमी हिस्से पर अमेरिका ने अपना दबदबा जमा लिया था और यूरोप महादेश के पूर्वी हिस्सा पर सोवियत रूस ने अपना दबदबा जमा लिया था, जिसके बारे में हमने कल के क्लास में चर्चा किया था, पूर्वी बनाम पश्चिमी। पूर्वी यूरोप पर सोवियत रूस का मतलब साम्यवाद का प्रभाव था और पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका मतलब पूंजीवाद का प्रभाव था। तो पूर्वी यूरोप के जो छोटे छोटे देश थे, उन छोटे छोटे देश में सोवियत संघ बलपूर्वक चाहे अन्य कई तरीकों से साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए दबाव डाल रहा था, या तो साम्यवादी व्यवस्था को अपना लागू कर दिया था, और जो नहीं लागू कर रहा था उसको दबाव दे रहा था कि आपको भी साम्यवाद का क्या करना है, अपनाना है। तो अमेरिका ने इसका विरोध कर दिया, अमेरिका ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और अमेरिका का यह भी विरोध शीत युद्ध के लिए कारण बना। रूस का मानना था कि आपके मामले में जब मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूं तो आपको भी हमारे मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत, लेकिन अमेरिका ने यहां क्या कर दिया। तीसरा ये भी किया, सोवियत विरोधी प्रचार। क्या किया? सोवियत विरोधी प्रचार। अमेरिका ने यदि साम्यवाद को डाकुओं का घर कहा, सॉरी रूस ने, तो अमेरिका ने भी दुनिया का सबसे बूढ़े गुंडा साम्यवादी को कहा। नियम है विवाद तब आगे बढ़ती है जब दोनों अपने विचार को आगे बढ़ा लेता है, लेकिन एक आगे बढ़ रहा हो दूसरा यदि झुक जाता है तो विवाद वहीं पर क्या होता है, रुक जाता है। नियम मैंने कहा था कि जब तक एक रुकेगा नहीं विवाद झुकेगा नहीं। विवाद को खत्म करना है तो हमारे क्या ना जाए, अच्छा गेट की जगह लगे होते। तो साम्यवाद सोवियत विरोधी प्रचार कर दिया था। आगे करें चर्चा, सोवियत विरोधी प्रचार अमेरिका ने किया, यह भी शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार करना बना। इसके अलावा कुछ संकट आई थी, जैसे कोरिया संकट। क्या आया था? और कोरिया संकट की घटना 1950 से 1953 में घटी थी। कोरिया संकट की घटना कब घटी? आपको बताए थे यहां पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में बहुत ज्यादा मतभेद फैल गया था। गलत कि सही? मतभेद इतना बढ़ गया था कि लग रहा था दोनों ऐसे लड़ लेगा कि युद्ध की स्थिति खराब हो जाएगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने धमकी दिया था कि तुम विवाद को रोको नहीं तो तुम्हारे पर हम क्या कर देंगे, परमाणु बम फटक देंगे। तो कोरिया संकट भी शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार था, क्योंकि कोरिया दो भाग बट गया था, जहां उत्तरी कोरिया साम्यवाद का सपोर्ट कर रहा था, वहीं दक्षिणी कोरिया पूंजीवाद का। तो दक्षिणी कोरिया के सपोर्ट में अमेरिका ने उत्तरी कोरिया को धमकी दिया था। रूस सोचा कि जब हमारे सपोर्टर को धमकी देगा तो हम क्या उठा रहे। तो कोरिया संकट भी शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार था। उसके बाद बर्लिन संकट, क्या था? बर्लिन संकट। और बर्लिन संकट की घटना 1958 से 1962 के बीच घटी थी। बर्लिन जो जर्मनी की क्या थी, राजधानी थी। पोटसडैम समझौता के द्वारा कहा गया कि मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वादा किया वादा के विपरीत काम हो रहा था, संकट न होगा। तो यह भी शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार बना। उसके बाद कांगो संकट,
क्या था, कांगो संकट। और कांगो संकट की घटना 1960, कांगो अफ्रीका महादेश का एक देश है, बहुत ही गरीब देश है कांगो, जाहिर है ये सब जो देश है बड़ा ही गरीब देश है। तो कांगो में भी यहां सब मतलब यहां पर जैसे खाद्यान्न की समस्या, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, और इस भुखमरी में इसको अनाज खिलाने के नाम पर, अन्न देने के नाम पर दोनों ही देश अपना अपना दबदबा, अपना अपना प्रभाव जमाने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। इसके अलावे चौथा था क्यूबा में मिसाइल संकट, क्यूबा में और क्यूबा में मिसाइल संकट की घटना 1962 में घटी थी। अब जानते हैं क्यूबा अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा देश है जो अमेरिका से एकदम सटा हुआ है, और क्यूबा साम्यवादी व्यवस्था को अपना लिया था जिसे लाल जेब कहा गया। अगर आप कहो तो मानचित्र में इसे दिखा दूं, यदि आप विश्व के मानचित्र को देख रहे तो यह है अमेरिका, क्या है अमेरिका, और अमेरिका के बगल में ही यहां एक पीला सा देश दिखाई दे रहा होगा, यहां आप दूर है इसलिए नहीं दिख रहा है, यहां पर अमेरिका के बगल में छोटा सा देश है क्यूबा, लिखा है CUBA लिखा हुआ है क्यूबा, यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है, ये पूरा ग्रीन वाला है जो अमेरिका है, और यहां जो पीला देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, टापू के अगल में यही एक देश है क्यूबा। अब देखिए अमेरिका जहां पूंजीवाद का सपोर्ट कर रहा था, पूंजीवादी व्यवस्था का नेता था, और अमेरिका के बगल में एक देश है क्यूबा, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के चीनी का कटोरा जिसे कहा जाता है, और ये आ गया किसके प्रभाव में, ये क्यूबा आपका आ गया इस सोवियत रूस के प्रभाव में, किसके प्रभाव में आ गया, सोवियत रूस के प्रभाव में आकर, जहां इसे पूंजीवाद को अपनाना चाहिए था क्योंकि पड़ोसी पूंजीवाद था, इसको अमेरिका से बहुत सपोर्ट मिलता, यह अमेरिका का विरोधी हो गया और साम्यवाद को क्या कर लिया, क्योंकि क्यूबा ने साम्यवाद को अपना लिया तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसे लाल जेब कहा गया, क्या कहा गया, जैसे पूरा शॉर्ट हरिहर ग्रीन कलर का है, ऊपर का देखो पैकेट जो बना दिया लाल लगा और सबसे अलग निखर गया। तो क्यूबा जैसे ही साम्यवादी विचारधारा को अपनाया तो सोवियत रूस ने क्यूबा में अपना मिसाइल कार्यक्रम शुरू कर दिया, कौन सा कार्यक्रम, मिसाइल, जैसे चीन के विस्तारवादी नीति भारत के लिए हमेशा संकट का मुद्दा है, आगे पढ़ाऊंगा भारत चीन संबंध और चीन से भारत को क्या क्या डर हो रहा है, तो चीन विस्तारवादी नीति में भरोसा कर रहा है, देखिएगा चीन भारत के चारों ओर से घेर रहा है, चाहे वो म्यांमार के कोका आइलैंड को खरीद लिया हो, बांग्लादेश का चटगांव आदि बंदरगाह का विस्तार कर रहा हो, श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, मालदीव को कर रहा है, अब पाकिस्तान का तो दत्तक पुत्र ही अपना मान लिया है, जब पूरा खर्चा इसी को दे देगा तो जब चाहेगा वह कार्यक्रम परमाणु बम बनाना, मिसाइल बनाना या भूमिगत परीक्षण करने के लिए अपना सब कुछ यह बना सकता है। आज जब भी कभी अमेरिका सॉरी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो इंडिया का चारों तरफ से ये वार करेगा, बेचारा बीच में इंडिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसके सामने घुटना नतमस्तक होने के लिए बात हो जाए, हमारे साथ एक समस्या है कि अगर वो हमें घेर रहा है तो हमें भी उसके घेरने की नीति अपनानी होगी, वार युद्ध किसी समस्या का समाधान, यही सोचकर कुछ अल्प बुद्धि वाले भारत के राजनेतागण कहते कि जाकर विदेश में पैसा खर्चा कर रहा है, खर्चा नहीं कर रहा है, चीन हमें घेर रहा है तो हमें भी चीन को क्या करना पड़ेगा, घेरना ही पड़ेगा, इसलिए चीन के अगल बगल में जो देश हैं उनसे रिलेशन करते हैं, और जो गरीब देश है वहां करोड़ों अरबों रुपया का इन्वेस्ट करके डोनेट करके उसे अपना सपोर्टर बना लेते हैं। अगर इजराइल सपोर्ट नहीं करता
अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करता, 2017 में डोकलाम भी बात था वहां, चीन हमको क्या कर देता, कमजोर बना देता, गलत है। तो ये कुछ नीतियां हैं जिसको फॉलो करना पड़ता। तो यहाँ क्यूबा में मिसाइल संकट आ गया, अमेरिका को डर हो गया कि जब रूस यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम मिसाइल बना रहा है, अब कभी युद्ध हुआ तो यहीं से मिसाइल अपना रखेगा, हम पर क्या करेगा, हम तो उससे काफी दूर हैं, शीत युद्ध के लिए कारण बना। अब इतना ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था, इसी उतार चढ़ाव के माहौल में लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, विचारों का युद्ध इतना तेज हो गया कि ऐसा माहौल क्रिएट होने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ ही हो जाएगा। तो 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन विश्व को बचाने की घोषणा नामक एक वक्तव्य जारी कर दिया और उस घोषणा पत्र में कहा कि हम दोनों विश्व के समृद्ध देश हैं, बड़े देश हैं, तो हम दोनों का यह फर्ज बनता है, हम दोनों का क्या बनता है, यह फर्ज बनता है जो गरीब देश है, जो कमजोर देश है, उनकी आर्थिक मदद करके विश्व से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को क्या करें। लगा कि अगर दोनों हम ऐसा काम करेंगे तो विचारधारा का जो टकराव है वह भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और युद्ध भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध से, इस वैचारिक युद्ध से केवल और केवल अमेरिका और रूस को क्षति हो रहा था, बाकी विश्व के देशों को तो चंदी कट रहा था। तो इसी के नाम पर 5 जून 1947 की कहानी है, 5 जून 1947 को एक योजना अमेरिका ने पेश किया, उस योजना का नाम था मार्शल योजना। क्या नाम था, मार्शल योजना। किसने पेश किया, यूएसए, अमेरिका। क्या था मार्शल योजना, तो देखिए मार्शल, जिसको जॉन मार्शल भी कह सकते हैं, ये अमेरिका का विदेश सचिव था, ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे उन्हीं का विदेश सचिव था। ट्रूमैन के घोषणा पत्र के बाद मार्शल घोषणा पत्र आया, इस मार्शल घोषणा पत्र में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने घोषणा किया कि दुनिया, यूरोप महादेश के कोई भी देश जो आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, यदि वह अपना आर्थिक विकास करना चाहता है तो हमसे आर्थिक मदद लेकर, क्या लेकर के, मतलब हमसे रुपया लेकर अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकता है, हम बिना किसी शर्त के उसको कर्ज देने को क्या है, तैयार है। वो तो पीछे से था ही, खोला नहीं कि पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा। अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोप महादेश के देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया और कहा कि जो देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अपना विकास करना चाहता है, वो हमसे आर्थिक मदद लेकर, माने रुपया लेकर, अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को, अपने बंद कल कारखानों को पुनः स्थापित कर सकता है। ये नहीं कहा कि कोई शर्त नहीं आपके ऊपर, लेकिन नियम है जब आपको हम खर्चा सौंप देंगे, नैतिकता तो बनता ही है कि हमारे सिद्धांत को क्या कर ले, अपना ले कि ना अपनाएगा, अपनाना तो पड़ेगा। हाँ, उसी के खेमा में, लेकिन उसका खेमा टूट रहा था, नाम नहीं लिया पश्चिमी पूर्व, सीधे कहा कि जो भी चाहे हमसे ले सकता है, बस समझ गए। तो यहां पर सोवियत रूस भी कहा कि हमारी स्थिति कमजोर ना हो जाए, तो सोवियत रूस ने भी एक योजना पेश किया, नाम था मोलोटोव योजना। कौन योजना, इस मोलोटोव योजना में 1949 में पेश किया था, 47 में देखा, 1949 में इस मोलोटोव योजना में कहा कि यूरोप का कोई भी देश हमसे आके हाथ मिलाए, हमारे विचारधारा को अपनाए चाहे ना अपनाए, हमसे बिना ब्याज के दर पर, वो तो कर्जो ब्याजो लेगा, हम ब्याजो नहीं लेंगे, नहीं, हमसे पैसा ले और अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करें,
तो ये जो चाहे वो मार्शल योजना अमेरिका ने पेश किया 1947 में, और मोलोटोव योजना कौन किया, इसका आधार क्या था कि हम विश्व के देशों को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, जर्जर अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इस दोनों योजना के पीछे इन दोनों देशों का एक चाल था कि समाजवाद के गिरफ्त में सबको कर लेना, और इसका चाल क्या था, पूंजीवाद के गिरफ्त में कर लेना। मोल्टो योजना 1949 में आया, इसी योजना से प्रभावित होकर चीन के नाम सुनबे किए होंगे आप लोग, भारत के उत्तर में भारत का एक पड़ोसी देश है चीन में 1949 में माओ वहां के नेता थे, कौन, माओ से तुम 1949 में साम्यवादी, साम्यवादी शासन व्यवस्था को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, कौन समझौता, साम्यवादी शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। 1949 में ही उत्तरी कोरिया, कौन, जब चीन अपना ये लिया तो 1949 में भी उत्तरी कोरिया ने भी क्या अपना लिया, साम्यवाद को क्या कर लिया, अपना लिया। अमेरिका के मन में भय हो गया कि चीन साम्यवाद को अपना लिया, कोरिया साम्यवाद को अपना लिया, मतलब शीत युद्ध का केंद्र जहां यूरोप था अब दक्षिण पूर्व एशिया में आने लगा। यहां भारत के मन में डर पैदा होने लगा कि पहले तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, कहीं दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था, दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद ना होने लगे। तो मैंने पहले ही खंडे पढ़ाया है 1947 में देखा कि ये सब घोषणा हो रहा है, एशियाई संबंध सम्मेलन नेहरू ने दिल्ली में बुलाया था ना, और 1949 में इंडोनेशिया को डच साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चलाया था, और पुनः 1955 में आगे की चर्चा मैं कर दे रहा हूं, पंडित नेहरू के प्रयास से ही बेलग्रेड में सम्मेलन बुलाया गया, और उसी सम्मेलन के बाद 1961 में बाडुंग में सम्मेलन बुलाया गया, और उसी सम्मेलन के बाद पूंजीवाद और समाजवाद के नीति को ना अपनाकर 1961 में एक नया आंदोलन शुरू कर दिया जिसे कहा गया गुट निरपेक्षता, और गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ था। अब ये सब घोषणा चलिए रहा था तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अमेरिका अपने समर्थकों को बढ़ाने के लिए 1949 की कहानी है, 1949 में नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अगल बगल में यूरोप महादेश के जो छोटे छोटे देश थे उन देशों को मिलाकर 1949 में नाटो नामक एक सैनिक संगठन की अमेरिका ने स्थापना कर दिया। लेकिन जैसे ही नाटो की स्थापना किया, लेकिन 1949 में ही चीन में माओ से तुमने साम्यवादी शासन, और उत्तरी कोरिया में सुंग ने साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी, तो अमेरिका के मन में भय और ज्यादा बढ़ गया कि कहीं हम पिछड़ न जाए। तो नाटो के बाद तुरंत लगे ही 1954 में SEADO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट माने पूरब, एशिया मतलब एशिया महादेश, ट्रीटी माने संधि, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपने में मिला करके अपनी स्थिति को मजबूत करने का क्या किया, प्रयास किया। और इस सीटो संधि सीटों में एशिया महादेश को शामिल करने के लिए 1955 में बगदाद, और 1955 में ही मनीला संधि किया, और मनीला चौवन में ये सब बुक नंबर वन में पढ़ाया, हमने कहा सबक आगे मिलेगा। तो बगदाद और मनीला संधि के तहत कई मुस्लिम देश, ईरान, इराक, यहां तक कि पाकिस्तान, दक्षिणी कोरिया, इन देशों को भी अपने में क्या कर लिया, तुर्की, इन देशों को अपने में मिलाने का प्रयास किया। अब जब यहां इसने नाटो स्थापना कर लिया, सीटो स्थापना कर लिया, बगदाद और मनीला की संधि किया,
तो रूस ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1955 में वर्षा संधि किया, क्या कर लिया, वर्षा संधि कर लिया। रूस की अर्थव्यवस्था गिर नहीं रही थी, आगे ही बढ़ती जा रही थी। तो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री जो पूर्व में रह चुके थे, नाम था विंस्टन चर्चिल, इसने स्टालिन के शासनकाल को रूस के लिए लौह आवरण नाम दिया और कहा कि अमेरिका के बस की बात नहीं है उस लोहा के आवरण को क्या कर सके, ढह सके, गिरा सके, समझ गए। दुर्भाग्य रूस के लिए और सौभाग्य अमेरिका के लिए कि 1953 में स्टालिन क्या होते हैं, मृत्यु हो जाती है। और स्टालिन के मरने के बाद क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, चेचेनकोव, एंड्रोपोव, नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा होगी, वहां के राष्ट्रपति बने जो किसी काम के लायक नहीं थे। जैसे ही स्टालिन की मृत्यु हुई तो पुनः स्टालिन के मरने पर चर्चिल ने क्या कहा, लोहा का आवरण ढह गया। 1924 से 1953 तक स्टालिन था, इनके शासन काल को लौह आवरण नाम दिया कि लोहा के आवरण को गिराना किसी के बस की बात नहीं। और स्टालिन के बाद आ गया कौन, क्रुश्चेव, जो स्टालिन का कट्टा विरोधी था। जैसे आजकल भारत में हो रहा है, कोई नरेंद्र मोदी जो योजना चला रहे हैं, अगर जैसे राहुल गांधी कहीं धोखा से आ गए तो नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया सारा योजना को खत्म कर देगा। इकनी के नैतिकता नहीं, ना कि ओकर आगे बढ़ाते, कहें तो ओकर बढ़ाएंगे तो नाम उसका ना हो जाएगा, मुझे तो अपना नाम कमाना है, गलत नहीं बोल रहा हूं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पिछली हुई, किसी सरकार ने शुरू किया यहाँ गुमती रेलवे पुल बनवाना, अभी अगला सरकार क्यों नहीं बनाती है, घोषणा करती लेकिन नहीं बनाती है, क्योंकि बना देंगे तो कांग्रेसिया का नाम हो जाएगा कि ओकरा काले बना पूरा हो गया गुमती वाला, फंडा नहीं दीजिए ना बन जाएगा तो मान लीजिएगा। यहाँ के नेता तक क्रिया खाते हैं, काम शुरू हुआ है, निकल के नहीं खा नहीं सकता है। नियम है, ऐसे जनता में हल्ला होता है कि खा गया, खाने के लिए उतना कलेजा कोनों के काम होगा तब ना खाएगा, जब कम में होता खाएगा कहां से। घोटाला तब होता है जब खजाना से रुपया काम रोड पर आता है, दुटलर माटी भरवाएगा दुटलर के नाम गिरवा देगा, कुछ सीएम खाएंगे, कुछ पीएम खाएंगे, कुछ विधायक खाएंगे, कुछ अगल बगल दलाल खाएंगे। हाँ, इन लोग तो नेताओं में कोई चरित्र ही नहीं है, ये लोग तो बालू से लेकर कफन तक खा जाते हैं। हाँ, ताबूत घोटाला हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के शासनकाल में कारगिल युद्ध के समय सेना के लिए जो ताबूत खरीदा गया था, प्रति ताबूत 40,000 का कमीशन हमारे नाम ले लो, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा खाया गया था, कैग ने रिपोर्ट दिया था। सत्ता में सामर्थ्यमान कछु दोष गोसाई वाली कहावत होती है, सत्ता आता है तो बदल जाता है, लेकिन ऐसा कैग का रिपोर्ट आया था पेपर में मोटे अक्षर में लिखा हुआ था कि जब कफन में घोटाला कर सकता छोड़ेगा कथी नेता, सही सब कफन में लोग यू ही दे देता है, जाओ नहीं है कोई तो हम तुमको ये करवा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ नेता का चरित्र ही नहीं है, कफन में भी कुछ कमीशन खा लेते हैं है? और कोरोना काल में जिसे भगवान कहा था, डॉक्टर किडनी लीवर निकाल निकाल करके अपने पद के गरिमा को घटाने का काम किया है, एक बहाना बने के छुएगा तो कोरोना फैल जाएगा, कुछ नहीं फैलेगा, गलत नहीं बोल रहा हूं। बहुत लोगों को कोरोना हुआ, घर में खाया पिया ठीक रहे, जो अस्पताल में गया वो घर लौट के ना आया है 90%। आज वो गया वन जो पैसा वाला है तो कुछ नहीं करेगा, तरीका कमजोर निकला, डॉक्टर उसका किडनी निकल के कारोबार किया है खूब। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई, स्थिति कर बनाने लगी, तो 1963 में अमेरिका व रूस के बीच एक संधि हुआ था, उस संधि का नाम था हॉटलाइन समझौता। क्या नाम था? जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष, देखिए दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष बहुत विषम परिस्थिति में मिलते हैं, बात करते हैं, सम्मेलन में मिलना अलग बात है, आमने सामने सीधा मिल लेना। जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में वार्ता करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, इस चर्चा के या वार्ता को हम क्या कहते हैं, हॉटलाइन समझौता के नाम से जानते हैं। ये रहा पाठ एक। इसी में एक और मुद्दा देता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन।
आगे हमको गुट निर्भर क्षेत्र में पढ़ना ही है, तो चर्चा बाद में करेंगे।